यार हम ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिस वजह से लड़की गेस्ट टर्न ऑफ तुम्हारा भाई आज नहीं बताएगा। आज मैं अपनी एक फ्रेंड बुलाऊंगा जिनका नाम राघवी विरमानी है भाई। वो मॉडल है, वो मार्केटर है। ये वैसे सोचने में आ गया मैं सोच रही क्या इंट्रोडक्शन नहीं, एक सेकंड तो एक सेकंड यार मैं बाल ठीक कर रही हूँ तो शुरू कर रहा है। अगर पीले पीले दांत है और गंदी बदबूदार स्मेल है, ओह नॉट एट ऑल। देखो यार इस चीज के लिए तुम्हारा भाई है ना यार, एक नेक्स्ट लेवल नुस्खा बता रहा। तुम्हारा भाई मोतियों की तरह ना दांत चमक जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है यार, चारकोल पाउडर होता है जो पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। फोर्थ बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर वुमेन इज आर अनग्रूम्ड, नहीं फिर से अनग्रूम्ड वर्ड होता है कोई, हाइजीन एंड बॉडी ओडर। ओके सो द फिफ्थ पॉइंट व्हिच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज हाइजीन एंड बॉडी ओडर। वी डू नॉट लाइक मैन हु आर नॉट हाइजीनिक इनफ, नेल्स कट नहीं है, स्मेल आ रही है एंड तुम्हारा नेचुरल बॉडी ओडर अच्छा नहीं है। अडोर बोल दिया मैंने, ऑर्डर बोलना था। हम लड़की पटाने की रेस में हम चलते रहते हैं, भागते रहते हैं। हमें लगता है हमने शायद से कोई भी मिस्टेक नहीं करी, बट अनफॉर्चुनेटली भाई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, जिस वजह से आज तुम्हारा भाई नहीं, एक्चुअली भाई की एक दोस्त जिसका नाम है राघवी। हाय गाइस, तो राघवी एक मॉडल है, एक मार्केटर है और राघवी आपको बताएगी बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर वुमेन। So the biggest turn off ever for women is guys with phone. अरे स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। हाँ सही बात है। We hate men who are always like clinged to their phones. देखो यार सिंपल सी बात है। जब इतनी सुंदर लड़की आपके साथ हो या सुंदर भी नहीं हो, तब भी अगर लड़की साथ हो तो भाई यहाँ पे आग भी लग रखी हो ना, फोन नहीं चलाना बिल्कुल भी नहीं। मतलब यार लड़की पे ध्यान दो, we all like attention. Second biggest turn off for women is येलो टीथ एंड बैड ब्रेथ। आई मीन वी कांट स्टैंड गंदे पीले दांत। आप जैसे ही हंसोगे हमसे दूर हो जाना, इमोशनली फिजिकली मेंटली कैसे भी किसी लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो इफ यू हैव येलो टीथ एंड बैड ब्रेथ। यार देखो तुम्हारा भाई यहाँ पे किस लिए बैठा है। देखो यार ये दोनों चीजें सॉल्व हो सकती है। सबसे पहले हम येलो टीथ के बारे में बात करते हैं। आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार ये होम रेमेडी करनी है भाई। ये नुस्खा ना सही बता रहा, अगर आपकी येलो टीथ है ना व्हाइट हो जाएंगे तो आपको ना चारकोल पाउडर लेना है। चारकोल पाउडर भाई बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल सकता है। आजकल तो चारकोल टूथपेस्ट भी आने वाला है, बट तुम्हारा भाई नेचुरल चीज बता रहा है जिसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। चारकोल पाउडर आपको थोड़ा सा लेना है और उसके अंदर ना एक चम्मच के आसपास आपको कोकोनट ऑयल लेना है। मिक्स इट ब्रश एंड हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है, क्योंकि यार थोड़ा ज्यादा हार्श होता है। अब हमें रिजल्ट आने लग जाएगा एक ही बारी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बार बार यूज करना है, बट भाई इससे आपके ना टीथ हो जाएंगे बिल्कुल वाइट। उसके अलावा जो आपकी बात आती है बैड ब्रेथ, यार वो इसलिए आती है क्योंकि जो हमारी टंग होती है ना वो बहुत गंदी होती है। तो यार मेक श्योर आप जब भी ब्रश करो ना अपनी टंग भी जरूर क्लीन करो एंड अपनी डाइट में आपको शुगरी चीजें और चाय कॉफी ट्राई करो थोड़ा अवॉइड करने के लिए, जिस वजह से ये सब चीजें होनी शुरू होती है। काफी टैलेंटेड आपका भाई, नेचुरोपैथी का कोर्स करा है। सो थर्ड एक्चुअली मे बिगेस्ट टर्न ऑफ, जो मेरे लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ है, आर मैन हु आर नॉट एट ऑल डिसाइसिव एंड आर सुपर सुपर कन्फ्यूज। मतलब अगर आप खुद को लेके, अपनी लाइफ को लेके, डिसीजंस को लेके श्योर नहीं होना, तो हम आपके लिए कैसे श्योर हो सकते हैं? लाइक यू नो वी नीड द बेस्ट। तो मतलब अगर मेरे को रेस्टोरेंट बुक करना है और मतलब तो भाई मेरे पास ऑप्शन ही तो होंगी, इसमें कन्फ्यूज की क्या बात है भाई। थोड़ा डिसीजन लो, लड़की को कहाँ लेके जाना है, प्लान इट आउट फॉर हर। वी लाइक, इनफैक्ट वी लव मेन जो प्लान करते हैं चीजें। मतलब थोड़ा स्पेशल फील होता है यार, सो मेक अ प्लान एंड वी विल बी देयर लुकिंग अप बेस्ट। तो मतलब तुम्हारा भाई समझ गए ना यार, तुम भाई लोग आपको प्लान बनाना है, आपको डिसाइड करना है कि यार हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे खाना खाने जाना है, कहाँ पे यहाँ पे जाना है, कहाँ पे वहाँ पे जाना है, और फिर आप अपनी लड़की को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपनी क्रश को वो चीज बताओ कि भाई ये चीज है, तो वो इंप्रेस होगी कि यार आपने कुछ प्लान करा है। वी आर ओके टचिंग द बिल आल्सो, बट जस्ट प्लान आप करो आप लोग। सही है। हाँ ब्रो ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, फेमिनिस्ट। ओके सो द फोर्थ पॉइंट इज दैट वी जस्ट कांट स्टैंड मेन हु आरंट ग्रूम्ड वेल। मतलब ऐसे रैंडमली शर्ट के बटन खुले हैं, अजीब से बाल है, साइड से बाल, यू नॉट बैग्ड प्रॉपर्ली, और नॉस्ट्रिल्स
यार तू ही बोल, जो चीजें हम बोल ही नहीं सकते उसके बारे बताएं क्या। तो यार देखो, लड़कियों को ये चीज बिल्कुल ही नहीं पसंद कि मतलब लाइक आप दो शर्ट खोले हुए और आपकी ये बात तो ऑब्वियस ही बात है। अंडरआर्म्स यार देखो थोड़ा वेल ग्रूम्ड रहो, इवन अगर आपको बियर्ड भी रखनी है तो थोड़ा नीट एंड क्लीन बियर्ड रखो, जो वेल ग्रूम्ड बियर्ड कहते हैं ना वो रखो, सारी लड़कियों को पसंद आता। So the fifth and a very very important point is basic hygiene and body odor. All of us have a nice body smell जो आप कभी maintain कर सकते हो अगर आप hygienic हो. We as girls we always keep ourselves tidy, so we expect the same from men. मतलब साफ सुथरे रहो, अच्छा smell करो, अच्छा लगता है यार। देखो यार उसके लिए तो बहुत आसान नुस्खा है और वो ये है आपको नहाना है रोज। But हम यहाँ पे भी गलती कर देते हैं यार, हम सोप से नहाते हैं। देखो यार अगर मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताऊं बॉडी वॉश और सोप से, बॉडी वॉश इसलिए तुम्हारा भाई पर्सनली एक्चुअली ना बॉडी वॉश एक्सेप्ट करता है और देखो यार सोप ना एक्चुअली इसलिए बेकार होता है और इसलिए थोड़ा मैं शायद से कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ना यार सोप होता है हार्श, सोप आपकी स्किन को ड्राई कर देता है एंड बॉडी वॉश Is always better, because it keeps you moisturized. That's my personal experience. थोड़ा hydrated रहती है skin and the best. तुम कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो यार, सो ट्रैवल फ्रेंडली। कहाँ सोप एक बार गीला हो गया ऐसे कहाँ लेके जा सकते हो, बट थैली में डालनी पड़ेगी। बट बॉडी वॉश बेस्ट। तो तुम्हारा भाई यूज करता है बॉडी वॉश फाई कंपनी का, PHY कंपनी का, और भाई ये इसलिए क्योंकि यार ये 100% वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, PETA सर्टिफाइड है। आई गेस ये वही वाला है ना जिसके बॉडी हेयर और बिल्कुल 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 वो उसके प्रोडक्ट्स आते हैं, वेबसाइट चेक कर सकते हैं, बॉडी हेयर बियर्ड सारे प्रोडक्ट्स देते हैं। यस आई नो दिस ब्रांड। तो भाई लोग फाइव कंपनी के दो प्रोडक्ट्स हैं, फर्स्ट इज द माउंटेन रेन इनवोगरेटिंग बॉडी वॉश और भाई वो दूसरा है फाइव का विटामिन सी एनर्जाइजिंग बॉडी वॉश। ये कलर ज्यादा अच्छा है, ये कलर ज्यादा अच्छा वैसे खैर आपका प्रेफरेंस है। तो इनके सारे के सारे प्रोडक्ट जैसे कि मैंने बोला था वीगन है एंड सल्फेट फ्री है ये बॉडी वॉश। तो भाई लोग पहले हम बात करते हैं विटामिन सी बॉडी वॉश के बारे में। दिस हैज रिफ्रेशिंग मिंट एक्सट्रैक्ट दैट कूल्स एवरीथिंग डाउन एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज एक्वा सेंटर्ड। तो भाई लोग सल्फेट फ्री है ये बॉडी वॉश विद हाइड्रेटिंग सी केल्प एक्सट्रैक्ट सूटेबल फॉर एवरी स्किन टोन। तो भाई लोग इसको सिंपल तरह से हम यूज कर सकते हैं, आपको एक लूफा भी चाहिए होगा अगर आपको अच्छे से अपनी बॉडी पे स्प्रेड आउट करना है। ये कम यूज होगा और बहुत इफेक्टिवली यूज होता है, आपको इसको पूरा पंप करना है एंड देन यू एक्चुअली हैव टू रब इट ऑन योर बॉडी, दैट्स इट ब्रो, सिंपल। तो भाई लोग दूसरा प्रोडक्ट है माउंटेन रेन बॉडी वॉश। सो दिस इज सल्फेट फ्री एंड दिस हैज एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज रिच गिंको लीफ्स extract which help revitalize the skin having an intoxicating smell of earth. So bhai log iski bhi application same hai, loofah agar aap le pao le lo, meko to khair combo mein mil gaya tha, to agar aap five company ka loofah lete ho iske upar aapko wahi pump karna and that's it, you are ready to go, just rub it all over your body and that's it. तो भाई लोग जैसे कि मैं तुम्हें जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ वो मैं अपने भाई लोगों के लिए एक प्रोमो कोड जरूर बताता हूँ। तो भाई लोग आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हो फाई की वेबसाइट पे बाय यूजिंग द कोड मृदुल मधो MRIDULMEDHOK और एंड यू विल गेट 15% डिस्काउंट। अरे देखो कैसे पता, मुझे पता है, चलो पता लगे। तो भाई लोग एक और पॉइंट है जो शायद से मेरे को बहुत पर्सनली लगता है कि हम लड़कों को सीखनी चाहिए और वो है रिस्पेक्ट। यार देखो जब तक आप किसी लड़की को रिस्पेक्ट नहीं करोगे वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। रिस्पेक्टर्स एंड वील रिस्पेक्ट यू, वील लव यू, वील टेक केयर ऑफ यू एंड देर इज अनदर इवन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हमें बोरिंग लड़के नहीं अच्छे लगते हैं इन जनरल एंड आई एम नॉट डिफाइनिंग बोरिंग मैन, बट यार थोड़ा हंसाओ, खुद भी हंसो एंड ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इज ऑलवेज नाइस यार। वो भाई लोग टिकटॉक पे हैप्पी गर्ल्स आर द प्रीटीएस्ट गर्ल्स। हाँ वो भाई लोग वैसे टिकटॉक पे मेरे को फॉलो करते हैं तो उनको पता है कि कैसे फॉलोइंग हिम देम एग्जैक्टली। तो यार खत्म करते हैं, मेरे को लगता है बस इतने टर्न ऑफ होते हैं और ज्यादा होते हैं नहीं, बहुत होते हैं अभी के लिए इतने बहुत है। ठीक है तो फिर यार वीडियो खत्म करते हैं हम, बट उससे पहले मैम के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मैम को आप कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम पे @findraghavihair पे, राघवी को ढूंढना है तो findraghavihair पे आपको जाना पड़ेगा। बाकी यार सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर देना, कमेंट शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू मृदुल्स चैनल। थैंक यू।
बाय बाय।